मैं अक्सर जब नौजवानों से ख़िताब कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं, अब अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ, बिकॉज आई फील यंग अमंग द यंग पीपल। मेरी ज़िंदगी की खूबी भी यही है और ख़राबी भी यही है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। मुश्किल बहुत आती है क्योंकि बंदा पॉजिटिव फिगर को हमेशा देखे। जब मैं आपको कहता हूँ आप स्टे पॉजिटिव, तो मैं खुद पॉजिटिव रहा हूँ तो आपको वो कहता हूँ ना। अगर कोई आदमी खुद ना रहे तो किसी और को पॉजिटिव बना भी नहीं सकता ना, कि उसकी उसकी बात में वो लॉजिक या वजन ही नहीं रहेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुश्किलात रही। मैं आपके तालिबान के दौर में मैंने स्वात में सर्व किया और इंसर्जेंसी के बीच में मैंने अगरान में सर्व किया। तो और कभी कभी इवन हमारे अपने सीनियर्स हमसे इख्तलाफ रखते थे तो उसको ब्रेस किया, फेस किया। एडवेंचर में मैं गया तो कभी कभी हम भूखे प्यासे फंस गए, अटक गए। एक दफ़ा ये आवारान और बेला के बीच में हम किसी मडवलगनों की तलाश में थे तो वो हमारा जो प्लान्ड सफ़र था वो 8 घंटे का था और चलना हमें 16 घंटे पड़ गया, ठीक है। एक दफ़ा नौशकी के पहाड़ों में सहरा में एक पहाड़ हमने ढूंढा शेख हुसैन के पास, वो प्लान के मुताबिक 7 घंटे का सफ़र था, बन गया वो 19 घंटे का। बलूचिस्तान में तो बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है और हमारी अपनी सरजमीन है। उस सेंस में मैंने एज ए पैशन लिया कि मैं जो हिस्ट्री का या कहें डॉक्यूमेंट्री का या वो जायज़ा लेता था तो यहाँ तो ब्रिटिश के बाद बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। तो मैंने कहा गोरा जब बाहर से आके यहाँ एक्सप्लोर कर सकता है, हम तो फिर यहाँ के अपने हैं, हमें तो उनसे ज़्यादा करना चाहिए। मेरी स्ट्रगल, मैं गाँव से गाँव में पैदा हुआ हूँ जाफराबाद में, जैसे बाकी बलोचिस्तानी लोग होते हैं। थोड़ा सा मेरे वालदैन ने ख़ुद से भी ज़्यादा मेरी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, मुझे उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए भेजा, मेरे बड़े भाई को उन्होंने लम्स से मतलब पढ़ाया। तो कैडेट कॉलेज मस्तूंग पहला कैडेट कॉलेज था, उसमें हम बाकी बलूचिस्तानियों की तरह पढ़े, तो हमारी स्कूलिंग यहीं की मस्तूंग की है। तो बस उस मेहनत का सिला भी मिला, फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम गए, भाई ने मेरे PCS अफसर हैं, मैं जो हूँ CSS अफसर हूँ। फिर इस एक्सपोजर और एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी उठाया, जो 8-10 मुल्क मैंने देखे वहीं से अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे लाए कि हमारे यहाँ भी हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी इमरजेंसी सर्विसेज इम्प्रूव होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी सैर व सयाहत को मतलब फ़रोग देना चाहिए, वो भी मेरा पैशन है। इसी तरह एडवेंचर टूरिज़म भी मेरी एक मतलब शौक वाला वो है, शोभा है। हमें अब 14-15 महीने होने को हैं, तकरीबन 1.25 साल हो गया ऑपरेट करते हुए। इसका हम तजिया करते हैं तो कम अज़ कम 6 गुना डेथ रेशो जो है वो क्वेटा कराची रूट पे और क्वेटा जोब रूट पे कम हुई है। हमारा मैंडेट अभी काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि हमने शुरू किया सिर्फ फर्स्ट एड और इस वाले इंजर्ड जख्मियों की उससे मदद से जो हाईवे पे होते हैं, लेकिन इसका स्कोप तो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। आप अर्बन सर्विसेज देख लें, क्वेटा शहर में ये सर्विस ना होने के बराबर है, तो वहाँ हमारा मैंडेट बनता है। अभी जो माइनिंग पे इंसिडेंट्स हुए जहाँ लोग हुए, वहाँ पे हम हेल्प आउट काफ़ी कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट असाइन करने लगी है कि वहाँ पर भी बनाएं। कोस्टल हाईवे पे सेफ्टी सिक्योरिटी के पेश नज़र हमें स्पेशली असाइन किया गया है कि प्रपोजल दें इस पर, तो वो भी हमने सबमिट किया हुआ है। तो इसमें बहुत गुंजाइश है। अच्छा, ये जो आप माओं बच्चों के हवाले से पूछ रहे थे, इसमें अगर आप एम्बुलेंस नेटवर्क एक बना लें और इसी तरह कॉलिंग नंबर पर उसको कर दें तो किसी को भी जच्चा बच्चा के लिए सहूलत ज़रूरत हो, आप 15-20 मिनट आधे घंटे में उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दें। हमारे जो PC1 प्रपोजल था उसके मुताबिक हर सेंटर पे 2 एम्बुलेंसेस होनी चाहिए। हमें चूंकि फंडिंग कंस्ट्रेंट्स थी तो हमने फ़िलहाल एक एम्बुलेंस इस पे इस्तेमाल किए और आगे देखेंगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसको करेंगे। अब 25 सेंटर्स पूरे बलूचिस्तान में बनने हैं तो 50 एम्बुलेंसेस में होनी है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 20 एम्बुलेंसेस हैं। हमारी जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं ना, रोड सेफ्टी को हम प्रायोरिटी नहीं देते। कुछ इसमें कोताहियाँ कमज़ोरियाँ ऐसी भी हैं कि कुछ हाईवेज पे हमारी ट्रैफिक ज़्यादा है तो उनको शायद ब्रॉड करना मांगता है, जैसे क्वेटा कराची रोड है। तो लेकिन हाईवेज चूँकि हमारे पास 8 नेशनल हाईवेज हैं और तकरीबन 4,500 किलोमीटर हाईवे लेंथ है, जो पाकिस्तान की हाईवे लेंथ का 50% बनता है, तो पूरे मुल्क की आधी हाईवेज बलूचिस्तान में है। और ये तकरीबन इनमें से जो मेजॉरिटी हैं वो इसी 15-20 साल में बनी हैं। तो जहाँ भी रोड इंप्रूव होते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स में इजाफा होता है क्योंकि ड्राइविंग हैबिट्स थोड़े से या रैश ड्राइविंग का वहाँ पे ट्रेंड आ जाता है। दूसरा ये है कि चूंकि सड़कें हमारी ट्विन लेन है और मतलब डबल लेन या सेपरेट लेन यहाँ पे नहीं है, तो आमने सामने क्रॉसिंग होती है तो उसमें जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो नुकसान में रहती हैं। मेरे हिसाब से हमें इस इदारे को खड़ा करने में थोड़ी सी मुश्किल आई क्योंकि हम पहली दफ़ा काम कर रहे थे, निज़ाम सेट हो गया है अब, तो अब हमें मुश्किल बहुत कम है। सो मच सो मैं बल्कि कहूँगा कि आई एम इलेटेड टू शेयर कि हमें तो लोगों ने ज़मीन, बिल्डिंग, जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ी इस मकसद के लिए उन्होंने फ्री ऑफ़र की, चाहे गवर्नमेंट ने चाहे प्राइवेट किसी ने, ओनली बिकॉज ये जान बचाने वाला काम है तो लोग वगैरह इसका सवाब लेना चाहते हैं।
कोविड-19 ऐसा था कि हमारा एक बैच पास आउट होकर रेस्क्यू वालों का आ चुका था, दूसरा पास आउट होने वाला था, उस दौरान कोविड आ गया। तो फिर हमने ये किया कि पासिंग आउट सेरेमनी हमने मनसूख की लाहौर एकेडमी में, और वहीं इनको 4-5 दिन की कोविड ओरिएंटेशन जो है रेस्क्यूअर्स को दे दी। और वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ भी हमने कोविड के पेश नज़र हाईवेज़ पे लॉकडाउन किया हुआ था, तो हमने फिर इनको हाईवेज़ पे प्लेस करने के बजाय यहीं शहर में सैंपल कलेक्शन पे लगा दिया। तो 112 पे कॉल आ जाती थी और उसके मरीज़ के सिम्टम वगैरह या उससे बातचीत करके अंदाज़ा हो जाता था। तो सिंपल केस होता था तो आउटराइट हमारी एम्बुलेंस चली जाती थी उसका सैंपल लेने और उसको फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल तक जहाँ हमारी लैब थी वहाँ पहुँचा देते थे। PPHI के हवाले से तो पूरा बलूचिस्तान ही हमारा मैंडेट है, हर ज़िले में हमारा दफ्तर और BHUs जैसे मैंने बताया कि मौजूद हैं। और 112 जो है ये वाली मर्ग सर्विसेज ये सिर्फ हाईवे ओरिएंटेड है। फिलहाल टेस्ट बेसिस पे हम क्वेटा सिटी में अभी शुरू करने जा रहे हैं, अदरवाइज़ हम क्वेटा कराची हाईवे को पूरा कवर कर रहे हैं, हमारे 7 सेंटर हैं वहाँ। हम क्वेटा जोब शिरानी हाईवे को पूरा कवर कर रहे हैं, उस पर 5 सेंटर है हमारे। क्वेटा चमन सेक्शन पे 1 सेंटर है हमारा, और जो हमारा सीपेक रूट है सुराब से बेसीमा उस पर 1 सेंटर रिसेंटली हमने इस नए साल का तोहफा समझ लें वो शुरू किया गिदर पे। यहाँ का मौसम भी वैरायटी वाला है, यहाँ का टेरेन भी वैरायटी वाला है, तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ना इसी में अगेन कल्चर भी, हम तो 7-8 जुबानें आपको यहाँ बोलने को और सुनने को मिल जाती हैं, फिर इसी तरह कल्चर्स हैं। ब्राह्मी का अपना कल्चर है, बलोची का अपना है, पश्तून का अपना है, ठीक है ना। तो नीचे आप जाएंगे सिंधी, सराइकी, फारसी, ऐसे मिक्सेस भी आपको मिलेंगे। बलोची तो ऑफकोर्स प्रीडोमिनेंटली है ही है, और इसी तरह फिर टेरेन में भी आपको सहरा भी मिलेगा, आपको समंदर भी मिलेगा, आपको पहाड़ भी मिलेगा, सब्ज़ा भी और खुश्क भी। इतनी वैरायटी कहाँ होती है, मैं तो कहता हूँ इट इज़ अ ब्लेस्ड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसको उस हिसाब से अप्रिशिएट शायद किया नहीं गया है, अब हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया की बरकत से कुछ कह लें कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी टूरिज्म की तरफ आती जा रही है, मैं देख रहा हूँ तो इससे बेहतरी आ रही है। यूथ तो देखिए हमारी जो है, मैं उनसे बड़ा होपफुल भी हूँ, आप सब भी इतफाक़ से यंग लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। यूथ हमारा पोटेंशियल भी है, हमारा फ्यूचर भी है, तो उसमें एनर्जीज़ हैं, उनको सिर्फ अगर हम जैसे लोग, हमसे ज़्यादा सीनियर लोग जो हैं वो डायरेक्शन दे दें, तो कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साहब की। तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड पॉजिटिव, तो ये सब कुछ उनमें है भी, और ये अगर रिज़ल्ट देगा तो बहुत ही हौसला अफजा और बहुत ही मुस्बत किस्म के नतीजे। चूँकि अब खात्मे पर इंटरव्यू के, तो मैं यही कहता हूँ कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।